मोदी नगर के केसर गार्डन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में महागठबंधन के पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम मोदी नगर के पूर्व विधायक पंडित सुदेश शर्मा द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बागपत लोकसभा से महागठबंधन के प्रत्याशी जयंत चौधरी रहे। कार्यक्रम में मोदी नगर के कई सभासदों ने जयंत चौधरी को खुला समर्थन किया। जयंत चौधरी ने कहा कि हमें एकजुट होकर चुनाव में लग जाना चाहिए। KTLI न्यूज के लिए कामिल चौधरी के साथ गुलफाम अली की रिपोर्ट। ये जो जनता है, मैं चाहता हूं कि इस पूरे चुनाव प्रचार में डोर टू डोर कैंपेन, अच्छी बात है यहाँ बड़ी तादाद में पार्षद आए, उन्होंने खुला समर्थन दिया, ये बहुत अच्छे संकेत है हमारे इस प्रयास। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई पार्षद है, कोई चुनाव लड़ा है, कोई कार्यकर्ता है, कोई आम आदमी है आज उपस्थित है, अगर आप इसे अपना चुनाव बना देंगे और डोर टू डोर जो है भक्तों को रहने दीजिए, जो तंत्र का हिस्सा है उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल रहा है, लेकिन जनता तक महिला सत्य संगठन मुद्दे प्रेम तो ये जो चीजें को लेकर इन बातों को लेकर आप जाइए और आपका सहयोग ले लेना, आपके बीच में खड़ा हो। मैं अपने कार्यकर्ताओं को ये भी कहना चाहता हूँ कि चुनाव बहुत बड़ा है और 80-80 सीटों पे मन बनाकर खुले दिल से लोग लड़े। सुरेंद्र जी हमारे बीच में आए थे और आपका समर्थन भी है, कोई यहाँ पढ़ने आ रहा है तो ये एक केंद्र बिंदु है, पॉलिटिक्स का केंद्र बिंदु यहाँ से राजनीति चलती है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सामाजिक परिवर्तन की महानायिका पूर्व राज्यसभा सांसद बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश जी को अपना नेता मानते हुए पूर्व में 1-12 कैबिनेट मंत्री राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष माननीय अजीत सिंह जी को अपना नेता मानते हुए माननीय जयंत चौधरी को अपना आदर्श मानते हुए और आज इस केशव गार्डन में मंच पे मंचा सिंह सभी मेरे साथी मेरे वरिष्ठ नेता जो बैठे हुए हैं, श्री जैन चौधरी साहब जो मजबूत हैं, लेकिन हमारा संगठन कई गुना मजबूत है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के तमाम जानास कार्यकर्ताओं को प्रणाम करते हुए मैं उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मुझे आदरणीय जयंत जी का आदेश हुआ है कि आपका अपना कार्यक्रम है, इसलिए आप ज्यादा नहीं बोलेंगे, केवल धन्यवाद अदा करेंगे। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से यहाँ पर उपस्थित आदरणीय श्री विनोद प्रधान जी जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी, आदरणीय इंद्रजीत जी विधानसभा अध्यक्ष, प्रेमपाल कर्दम जी जिला सचिव, सचिव बोर्ड में आपका नाम रमेश प्रजापति, राष्ट्रीय सचिव, पूर्व मंत्री। आज का जो प्रोग्राम हुआ इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, यहाँ जो है बागपत लोकसभा से माननीय जयंत चौधरी जी उम्मीदवार हैं, ये उनकी पहली सभा हुई है, अभी हालांकि नामांकन नहीं हुआ है, और ये बताने वे आए थे कि बागपत लोकसभा सीट से हम उम्मीदवार हैं और हमें वोट आपके चाहिए। और किस लिए चाहिए? क्योंकि जो केंद्र में भाजपा की सरकार है, इन्होंने छल कपट और झूठ इसका सहारा लेकर और हिंदू और मुसलमान, मंदिर और मस्जिद,
हिंदुओं की भावनाओं को भड़का के कुर्सी हासिल की है। इन्हें 2014 के चुनाव में इन्होंने 17 वायदे किए, एक वायदा पूरा कर दो। उदाहरण के तौर पर इन्होंने कहा दिल्ली को राज्य का दर्जा देंगे, क्या दिया? नहीं दिया। इन्होंने कहा हम कश्मीर में 370 समाप्त कर देंगे, क्या इन्होंने किया? इन्होंने कहा हम काला धन वापस लाएंगे, क्या काला धन वापस लाया? इन्होंने कहा हम उनके नाम बताएंगे, क्या इन्होंने उसके नाम बताए? इन्होंने कहा हम 15 लाख रुपए जो हर जनधन जो खाते हैं उसमें आएंगे, क्या आए? आप हमें बता दो, एक बात बता दो। इन्होंने कहा मंदिर बनाएंगे, मंदिर नहीं बनाया, तारीख नहीं बताएंगे, एक बात बता दो। इस बीजेपी की सरकार ने सिर्फ और बेरोजगारी के आंकड़े और मंदिर और मस्जिद के नाम पे जो हिंदुओं की भावना को भड़का के इस वक्त कुर्सी हासिल की है। हम लोग क्योंकि सरकार इसलिए नहीं बनती, सरकार इसलिए बनती है कि गरीब को रोटी कैसे मिले, उसके बच्चों की पढ़ाई कैसे हो, बिजली सड़क पानी स्वास्थ्य ये कैसे बने, बिजली पैदा कैसे हो, मेडिकल कॉलेज और कॉलेज कैसे बने, सिर्फ छोटे नारे दिए। आज भी कोई सवाल पूछो उसका जवाब नहीं देते। हम पूछते हैं आसमान की बात तो आप करते हैं जमीन की बात, हम पूछते हैं जमीन की बात तो आप करते हैं बीच की बात, कोई बात पूछो। इसलिए पत्रकार महोदय मुझे ये कहना है अब ये जो चुनाव होना 11 तारीख को पहले चरण का, इसमें समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और बहुजन समाज पार्टी मिलकर जो गठबंधन बना है, चुनाव भारी से हम जो है देखिए बहुत सकारात्मक फैसला लिया है तीनों पार्टी के नेताओं ने, देश के लिए अच्छे विचार को लेकर हम लोग चल रहे हैं और ये प्रभावी गठबंधन है जो बीजेपी को परास्त कर। आपका बागपत लोकसभा क्षेत्र में मुकाबला किससे है? देखिए बीजेपी के यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं और यही माना जाएगा कि बीजेपी से हमारी टक्कर। वर्तमान सांसद जी से हमारी बात हुई, उन्होंने अपना मुकाबला अपने आप से माना, इस संबंध में आपका क्या कहना है? वैसे तो हर एक आदमी का मुकाबला अपने आप से होना चाहिए, लेकिन वो कुछ कंफ्यूज से लग रहे हैं।